हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी. और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है. तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं. जैसा कि मैंने उनको बताया कि अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि पैन कार्ड. और होता है क्या है कि पैन कार्ड के नाम से सभी डर जाते हैं, जैसा कि आजकल बहुत फ्रॉड होता है. तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको आप देखते हैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, ये प्रोसेस सभी के लिए है. उनको भी फोटो लगानी पड़ती है पैन कार्ड की. और ऐसा नहीं है, सभी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं सभी को ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है. आप उनसे पूछ सकते हैं या आप उनको मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अनअकैडमी पे. तो चलो इसके बाद बात करते हैं. जैसा कि हमारे एक बड़े भाई यूट्यूबर हैं तो मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं, तो मैं भी एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ. और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कैसी लगी बात. और इसके बाद आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो बताने वाला हूँ. तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको मोटिवेशनल थॉट्स कुछ बताना चाहता हूँ. सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं, वो सपने नहीं होते. सपने वो होते हैं जो हमारी आंखों को बंद ही ना होने दें, हमें सोने ही ना दें. आप समझ गए होंगे. और ये रियल होता है. अगर आप किसी काम को दिल से करते हो या आपको लगता है कि काम बिल्कुल करना है. कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि रात को नींद आ जाती, नहीं आती. कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मतलब इंटरेस्ट से कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपको रात को 2 बजे उठना है. आप 2 बजे से पहले ही उठ जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो पहले ही फीड हो गया कि मुझे 2 बजे उठना है. तो साथियों, सपने वो नहीं होते जो हम सो के देखते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं. सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें. तो एनीवे, अभी हम बात करते हैं. सबसे पहले खबर आ रही है, शिक्षक नेता मंडोला जजपा में शामिल. तो ये खबर है साथियों, जो शिक्षक नेता मंडोला हैं और ये खुद प्राइमरी टीचर हैं, जेबीटी टीचर हैं हरियाणा के अंदर, और ये अभी जजपा में शामिल हो गए हैं. मतलब जजपा में पॉलिटिक्स में ये आ चुके हैं. तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में आने का मतलब सिलसिला जारी है. लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो भी पॉलिटिक्स में आए हैं. तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगा देख के, तो आपको बताना जरूरी लगा. तो ये हरियाणा की बात है. और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सर हैं, ये मंडोला, ये संजीव मंडोला जी हैं, जो भिवानी जिले के तोसाम हल्के के गाँव साहले वाला, तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर ये पढ़ाते हैं. और अब ये गवर्नमेंट से रिजाइन करके अब ये पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं. इसके बाद साथियों, दूसरी खबर है, राजा जैत सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तिगांव रोड नीमका फरीदाबाद हरियाणा. तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ वैकेंसीज निकली हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. तो इनकी इन्हें फैकल्टी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए. ज़्यादा जानकारी के लिए आप राजा जैत सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, डिटेल्स मिल जाएगी. आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिर. और जो इसमें लास्ट डेट है रिज्यूम सबमिट करने की, 10/4/2019, मतलब 10 अप्रैल 2019 तक आप रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं. तो ये एक अच्छी खबर है. जो साथी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई जरूर करें. इसके बाद साथियों, कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं. जैसा कि आप जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो गई है, और लगभग 3 से 4 महीने का जो डिस्टर्बेंस अभी रहेगा, क्योंकि 2 महीने पहले इलेक्शन से और शायद 1-2 महीने इलेक्शन के बाद तक जो होगा गवर्नमेंट अपने वर्क में बिजी रहेगी. तो भी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन ये हैं कि क्या हमारा रिजल्ट तो इससे इंटरप्ट नहीं होगा. मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट एक अलग चीज़ होती है.
रिजल्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आप जानते हैं कि अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना रिजल्ट पे, तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, रिजल्ट वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आचार संहिता है। और न्यू रिक्रूटमेंट भी ये निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो एग्जाम वगैरह उसका कराएंगे ये, या मतलब जैसे भी है, तो वो थोड़ा बाद में हो सकता है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।